तो मित्रों इस समय जैसा कि आप देख सकते हैं एकदम टॉप पर आ चुके हैं। एक टॉप पर अभी हम है और दूसरे टॉप पर आपको वहां पे मंदिर दिखेगा। नमस्कार मित्रों, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज मैं आपको दे चल रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से बरसाना। जी हाँ, बरसाना में रंग होली होनी है, लठमार होली होनी है। और आज है 18 तारीख और इस 18 तारीख को किस प्रकार से बरसाना में होली होनी है इसका मैं आपको एक्सक्लूसिव दृश्य दिखाऊंगा। और साथ में होली का जो पूरा माहौल है, पूरी जो पूरा आयोजन होगा वो कैसे क्या होगा, वो सभी कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो मित्रों ये देख रहे हैं, ये मार्ग आती है उधर मथुरा से, वृंदावन से, और इधर है आपको बरसाना। और बरसाने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये इस तरह से बैरिकेडिंग लगी हुई है। और इस बैरिकेडिंग जहां पर आपको ऑटो छोड़ेगा वहां से लगभग 1 किलोमीटर आपको और आगे जाना पड़ेगा। और उसके लिए कोई साधन नहीं है। कुछ बाइक्स वाले हैं जो कि बोलते हैं कि चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ ऑन चार्ज, वो अलग बात है। अदरवाइज़ एक किलोमीटर लगभग आपको पैदल ही पद यात्रा करनी पड़ेगी। और अपनी ही 11 नंबर की बस पकड़ के आपको बरसाना की जो राजा रानी का मंदिर है वहाँ तक जाना पड़ेगा। और ये जो हर्ष है, ये जो उल्हड़पन देख रहे हैं, यह सभी आपको रास्ते भर में देखने को मिलेगा। रास्ते में आपको कलर भी फेंका जा सकता है आपके ऊपर और आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से आप प्रिपेयर्ड होके ही आगे बढ़े। तो मित्रों हम उस जगह आ चुके हैं जहाँ पर आपको साइनेज दिख रहे होंगे, साइन बोर्ड्स, जहाँ पर लिखा है कि इधर से लेफ्ट जाना है, आपको 1 किलोमीटर लगभग बरसाना है। और यहीं पर आप देख सकते हैं जो कि होली का जो कि माहौल है वो पूरी तरह से सज चुका है। लोग एक दूसरे पर रंग गुलाल फेंक रहे हैं। और इस समय हम अभी पैदल वॉक करते हुए, जहाँ से हमें ऑटो ने छोड़ा तो वहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर है, अब हम पैदल जा रहे हैं। और यहाँ आप चौराहे से देख सकते हैं, यहीं से जो टी पॉइंट है यहीं से आपको लेफ्ट जाना है बरसाने के लिए। और माहौल देखिए, माहौल पूरी तरह से उत्साह का, होली का बन चुका है। और लोग पूरी तरह से बैरिकेडिंग लगी हुई है पुलिस की, और साथ में रंग आदि गुलाल जो है वो डाल रहे हैं। और लोगों में जो उत्साह है वो आपको अब यहीं से देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कई जगह पे भंडारा आदि भी लगे हुए हैं, जहां पर प्रसाद स्वरूप आपको कुछ ना कुछ खाने पीने को भी मिल रहा है। आप देखिए, देखिए इधर भंडारा है। ये आप भीड़ देख रहे हैं मित्रों, ये पूरी की पूरी जनता बरसाने के लिए आ रही है। आपको सामने जो देख रहे हैं ये सभी लोग सामने से आ रहे हैं पूरा, आपको देखा जाए तो बरसाने के लिए। सामने आपको बोर्ड लगा हुआ दिख जाएगा। अभी ये बहुत ही भव्य माहौल उत्साहपूर्ण बना हुआ है और जगह जगह ढोल नगाड़े और अबीर गुलाल के साथ लोग एक दूसरे का आनंद कर रहे हैं और गल रंग लगा रहे हैं सभी को। मित्रों अब हम आ चुके हैं, देख सकते हैं रंगीली महल गेट दिख रहा है और ये पीछे आपको दिखेगा कीर्ति मंदिर। और इसी कीर्ति मंदिर के पास तक हम आ चुके हैं। यहाँ से बहुत पास है बरसाना माता राधा जी का मंदिर और अब हम वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पर आ चुके हैं जहाँ पर एक को आप गेट दिख जाएगा, तो मारो प्यारो बरसानो, आप देख सकते हैं मारो प्यारो बरसाना लिखा हुआ है इस पर। और यहीं से आगे बढ़ेगा मंदिर का मुख्य मार्ग और यहीं पर सारे जो कि उत्साही जो श्रद्धालु हैं होली खेलने के लिए और दर्शन के लिए जो आए हैं उनका जमावड़ा आप देख सकते हैं। काफ़ी सारी भीड़ है यहाँ पर जनता की और सभी कुछ एक भक्ति भय और एक उत्साहित माहौल में चल रहा है। देखिए जैसे जैसे हम रंगीन होते चले जाएंगे आप समझते जाइएगा कि होली का जो
जो ज्वार है वो कितना ऊपर जा रहा है। साथ ही यहाँ पर पुलिस प्रशासन की भी पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आने और जाने के लिए प्रॉपर अलग अलग पूरी तरह से बैरिकेडिंग लगी हुई है ताकि इधर के उधर ना हो लोग। राधा रानी के जो मंदिर है उसके दर्शन यहीं से होने लगे हैं और आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूं। ये देखिए यहां पर आपको ऊपर दिखेगा, राधे राधे। मित्रों ये आप लैंडमार्क साइनेज देख सकते हैं, लिखा हुआ राधा रानी मंदिर इधर 1 किलोमीटर, रंगीली महल इधर 1.5 किलोमीटर, और ये पूरी रास्ता जा रहा है बरसाना राधा रानी मंदिर के लिए। और मैं आपको बता दूं कि ये लगभग 3.5 किलोमीटर यहाँ से और है, तो यार यदि आप समर्थ हो सक्षम हो तभी प्रयास करिएगा, अदरवाइज़ हम लोग केदारनाथ की यात्रा चूँकि करके आए हैं तो चूँकि हैबिट है और कुछ शॉर्टकट्स के हम लोग ढूंढते रहते हैं तो हमें मिल गया है यहाँ से शॉर्टकट। तो यहाँ से अब हम जो आप ऊपर देख रहे हैं आपको मैं दिखाने का यदि प्रयास करूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें जाना है और यहाँ से ये शॉर्टकट हो जाएगा। तो अब हम प्रस्थान कर रहे हैं इसी शॉर्टकट के वाया और देखते हैं कि कितनी जल्दी पहुँच सकते हैं, क्योंकि वो तो 3.5 किलोमीटर है आई थिंक। वहाँ पहुँचते और इस भीड़ में, इस रंगीली माहौल में हम लोग को ऊपर जाते जाते हमें लगता है कि शाम हो जाएगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि लठमार होली का जो आयोजन वो समाप्त हो जाए। तो हमने यह प्रयास किया है कि इस शॉर्टकट के माध्यम से चलें डायरेक्ट ऊपर। तो चलिए इससे शॉर्टकट यानी कि ट्रैकिंग का भी आनंद लेते हैं बरसाना में। ये कुछ शॉर्टकट है, देखते हैं ऊपर जाने का प्रयास करते हैं कि कितना संभव है ऊपर से मंदिर तक जाने का, चूँकि मंदिर उस साइड है और हम अभी यहाँ पर आ गए। यहाँ पर बहुत सारे लोग आके रखे हैं, अब देखना है कि यहाँ से उतरने का भी कोई ऑप्शन है या नहीं। तो मित्रों इस समय जैसा कि आप देख सकते हैं हम एकदम टॉप पर आ चुके हैं, एक टॉप पर अभी हम हैं और दूसरे टॉप पर आपको वहाँ पर मंदिर दिखेगा। अगर आपको मैं जूम इन करके दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं ये आपको सुंदर सा एक मंदिर दिख रहा है, परंतु ये सुंदर मंदिर आपको यहाँ से एरियल व्यू से भी अगर कहा जाए तो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और मैं इस समय दूसरी पहाड़ी पर हूँ और यहाँ से जाने के लिए आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग इस समय शॉर्टकट के यूज़ करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक भी है क्योंकि यहाँ से जो स्लोप है वो एकदम खाई की तरह है और बहुत धीरे धीरे आप देखिए तो यहाँ पर लोग उतर रहे हैं। तो हम भी प्रयास करते हैं कि कितना क्या सुरक्षित है, तत्पश्चात हम आगे प्रस्थान करेंगे इसी स्लोप के माध्यम से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं ये जो आप देख रहे हैं ये कांटे हैं, कांटे से बच करके अपने पैर को चलना है क्योंकि इस पूरी पहाड़ी पर इन्हीं कांटेदार जो पौधे उन्हीं का पूरा खेती हो रखी है, बहुत संभाल के उतरना पड़ रहा है। पहला बंदा जा रहा है ये सभी मित्रों आप देखिए ये है बरसाना के लिए शॉर्टकट का खोज में वो हाँ है मंदिर, और यहाँ पर लोग हर ओर से पहाड़ी से उतरने का प्रयास कर रहे हैं। तो मित्रों ये था खतरनाक ट्रैक जो कि हमने बरसाना मंदिर आने के लिए राधा जी के किया है, लाडली जी के मंदिर जाने के लिए हमने एक खतरनाक ट्रैक किया है और ये ट्रैक हमें याद रहेगा, और कभी हमने सोचा नहीं था कि बरसाने आने के लिए भी ऐसा ट्रैक हमें करना पड़ेगा, परंतु यह भी एक जो दर्शन था ये किसी एडवेंचरस ट्रैक से कम नहीं रहा था। और आप लाडली जी के मंदिर आए लेकिन आपको फील केदारनाथ जी के आने के जैसा होगा, बट यही सच है। और अब हम ग्राउंड तक आ गए और यहाँ से डायरेक्ट एक बार फिर से चढ़ाई करेंगे और डायरेक्ट उधर मंदिर तक पहुंच जाएंगे। तो मित्रों वो ट्रेकिंग के बाद
अब हम प्रॉपर पुराने रास्ते पर आ गए हैं और ये मार्ग भी आपको रैंप जैसा मिलेगा और इसके थ्रू भी आपको बहुत लंबा चढ़ना पड़ेगा। तो सभी के साथ हम ऊपर उस मंदिर तक के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो मित्रों ये देख रहे हैं आप, आखिरी लाइन है और सामने एकदम पास में मंदिर आ चुका है और यहाँ तक हम लोगों ने फिर से शॉर्टकट लिया है और वहाँ से यहाँ पर आ चुके हैं और आपको सामने दिख रहा है मंदिर, जो ध्वजा लहरा रही है सामने वही है मंदिर और वहाँ तक अभी हमें पहुँचना है। तो मित्रों इसी प्रकार से कुछ दर्शन हुआ है, दर्शन की जो स्थिति वो आपके सामने है। पता नहीं यार। तो मित्रों ये आप देख रहे हैं श्री राधा रानी बरसाना मंदिर से आपको एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें कि भीड़ की और संख्या जो है वो आपके सामने है। और इसी संख्या में इसी भीड़ के बीच सभी श्रद्धालु लोग दर्शन कर रहे हैं। तो मित्रों ये है मुख्य मार्ग जो है कि सीढ़ी वाला उतरने और चढ़ने का, जो कि अभी बंद है और कुछ इसी प्रकार से दर्शन पूरा हुआ है। और मैंने जो प्रयास किया आपको इस समय जो होली 18 तारीख बरसाना में किस प्रकार से मनाई गई है उसको आप तक पहुंचाने का, यदि आपको सही लगे तो बताइएगा और वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, कमेंट में सुझाव लिखिएगा, कोई भी हो, चैनल पर रहेंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो पर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।